नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, चुनाव प्रचार का सिलसिला शुरू हो चुका है और कांग्रेस पार्टी भी इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने जांजगीर पहुंचकर कांग्रेस के चुनावी प्रचार अभियान का आगाज किया, जहां उन्होंने जांजगीर चांपा लोकसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में पायलट ने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतने की बात कहते हुए कहा कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं की मेहनत से पार्टी प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बनती रहती है, गिरती रहती है, लेकिन 10 साल में बीजेपी ने संयोजित तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग किया है। केंद्र सरकार के इशारे पर कांग्रेस के 15 खातों को बंद कर दिया गया है। देश में अराजकता की स्थिति है और जनता बदलाव करने के लिए तैयार है। अच्छा, आज का फीडबैक रहा, चुनाव शुरू हो चुके हैं और हमारे कैंडिडेट रेडिया जी के पक्ष में हम सब लोग यहाँ पर वोट मांगने आए थे। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भाजपा के लगातार सांसद बने हैं बहुत ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए विकास में, और अब जनता उठ चुकी है, बदलाव चाहती है। केंद्र की सरकार के खिलाफ लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो परिणाम अब तक कांग्रेस पार्टी के आए छत्तीसगढ़ में उससे कहीं ज़्यादा बेहतर इस बार परिणाम आने वाले हैं। और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, हम सब लोगों ने मिलकर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, कार्यकर्ताओं से एकजुटता का परिचय दें। अभी चुनाव में समय है, लेकिन अभी से ही हमारे कार्यकर्ता रोड रोड जा रहे हैं, गाँव देहात में संपर्क कर रहे हैं, एक अच्छा सकारात्मक माहौल पूरे प्रदेश में बना हुआ है। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं चुनावों को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ की सख्ती में डीएम ने लोकसभा चुनाव और होली के मद्देनजर लोगों और अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में शांति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से होली पर्व मनाने की अपील की गई। बैठक में बताया गया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही जिले में धारा 144 लागू है, इसलिए किसी भी पर्व को राजनीतिक रूप से न मनाया जाए। सभी प्रकार के आयोजनों और रैली, जुलूस, डीजे के लिए संबंधित SDM से अनुमति जरूरी है। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि होली में ज्यादा से ज्यादा हर्बल रंगों का उपयोग करने के साथ ही किसी पर अनावश्यक रंग ना डालें। कलेक्टर ने पुलिस विभाग को उपद्रव, हुल्लड़बाजी, जबरन रंग डालने वालों, सड़क पर होलिका दहन करने वालों और 3 सवारी वाहन चलाने वालों, मुखौटा लगाकर हूटिंग करने वालों पर निगरानी रखने के साथ ही कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आज 22 मार्च 2024 को हमने शांति समिति की बैठक आहूत की थी। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को हमने बुलाया था और यहाँ के गणमान्य पब्लिक एवं जनप्रतिनिधियों को बुलाया था। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आने वाला होली त्यौहार जो है वो शांतिपूर्वक निपटे और किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और जनता की जो इच्छा है, उम्मीद है कि त्यौहार में क्या किस प्रकार का व्यवस्था होना चाहिए, उस पर हमने चर्चा की। हमने सभी विभागों को निर्देश दिया है, विशेषकर पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग को, कि त्यौहार के दिन भी जो है हर तरह की फैसिलिटीज जो है वो मुहैया कराएं। आज का त्यौहार नजदीक है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। नरकटियागंज में भी अग्निशमन विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने चौक चौराहे पर दमकल कर्मियों ने पोस्टर चिपकाए और आने वाले महिला और पुरुषों को जागरूक कर संबंधित हेड विल बांटे, साथ ही लोगों को सावधान रहने की अपील की। उन्होंने बताया कि जब भी खाना बनाएं अपने पास कम से कम 2 बाल्टी पानी जरूर रखें, जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो। उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए बताया कि होली का त्यौहार है और इसमें होलिका दहन होता है, जिससे सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर अग्नि संबंधित समस्या उत्पन्न हो तो लोग अग्निशमन विभाग को सूचना दें। होलिका दहन के अवसर पर आग ना लगे अग्नि सुरक्षा हेतु हर चौक चौराहा पे KNOP तक लगा करके हम लोग पब्लिकों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से होलिका दहन करें ताकि कहीं आग अग्निकांड ना हो। होलिका दहन के अवसर पे आग ना लगे अग्नि सुरक्षा हेतु हर चौक चौराहा पे KNOP तक लगा करके हम लोग पब्लिकों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से होलिका दहन करें ताकि कहीं आग अग्निकांड ना हो। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन नरकटियागंज में
आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। धूमनगर पंचायत के जयमंगलापुर गांव में जली के पोल पर सत्ताधारी राजनीतिक दल का पोस्टर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता दिख रहा है। खास बात यह है कि बीजेपी नेता के पोस्टर स्थानीय प्रशासन की नजर अभी तक इस पोस्टर पर नहीं पड़ी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस पर कब कार्रवाई करता है। तो कहीं ना कहीं आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि सभी पोस्टरों को, जो भी उस इलाके में पोस्टर लगे हुए हैं, उन पोस्टरों को हटा दिया जाए। लेकिन सवाल ये कि अभी तक ये पोस्टर क्यों नहीं हटाया गया है। गोपालगंज में पुलिस लोकसभा चुनाव और होली से पहले अलर्ट नजर आ रही है। पुलिस ने 17 बाइकों को जब्त किया है, साथ ही 500 लीटर अवैध शराब भी बरामद की है। तो गोपालगंज में पुलिस लोकसभा चुनाव और होली को लेकर छापेमारी अभियान चला रही है। उसी कड़ी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गंडक नदी के द्वेरा इलाके में छापेमारी कर चोरी की 17 बाइक के साथ 500 लीटर विदेशी शराब पकड़ी है। बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दियारा इलाके में कुछ शराब तस्कर शराब की तस्करी कर रहे हैं। जानकारी के बाद सदर एसडीपीओ प्रांजल की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया। इस दौरान शराब की होम डिलीवरी करने के लिए रखे गए 17 बाइक बरामद की गई हैं, जबकि 500 लीटर देशी शराब की बड़ी खेप भी जब्त की गई है। वहीं मौके से सभी बदमाश फरार हो गए हैं। तो बिहार में कहने को शराबबंदी लागू है, लेकिन यहां पर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल यहां पर जिस तरह से आप खाना ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप ऑर्डर करते हैं, खाना आपके घर तक पहुंचता है, इस तरह से बिहार में शराब मिल रही है, शराब की होम डिलीवरी हो रही है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। आप देख सकते हैं किस तरह से 17 बाइकों को जब्त किया गया है, जिनका इस्तेमाल शराब की होम डिलीवरी करने के लिए किया जाता था। यह हैरान करने वाली खबर बिहार से आ रही है। बिहार में कहने को तो सुशासन बाबू की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की खबरें सामने आना कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ नजर आता है सरकार के उन तमाम दावों पर, जिसमें यह दावा किया जाता है कि शराबबंदी बिहार में पूर्ण रूप से लागू है। अगर इसी तरह से शराब की होम डिलीवरी होती रहेगी तो फिर कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा, ये कहना भी अतिशोक्त नहीं होगी कि बिहार में अगर आप हैं तो आपको शराब के लिए ठेके तक भी नहीं जाना पड़ेगा, घर में आपको आसानी से शराब मिल जाएगी। यादवपुर थाना अंतर्गत होली से पूर्व कल दियारा एरिया में सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी की गई और वहां से करीब 17 चोरी की बाइक बरामद की गई है और करीब 500 लीटर से ऊपर शराब भी बरामद किया गया है। और इसमें जो शराब तस्कर इस कार्य में संलिप्त हैं उनकी पहचान की जा रही है और हम लोग नामजद प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। और इन मोडस ऑपरेंडी को देखते हुए ऐसा पता चल रहा है कि होम डिलीवरी की बड़ी प्लानिंग थी होली से पूर्व, जिसको पुलिस ने विफल किया है। यादवपुर थाना अंतर्गत होली से पूर्व कल दियारा एरिया में सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी की गई और वहां से करीब 17 चोरी की बाइक बरामद की गई है और करीब 500 लीटर से ऊपर शराब भी बरामद किया गया है। और इसमें जो शराब तस्कर इस कार्य में संलिप्त हैं उनकी पहचान की जा रही है और हम लोग नामजद प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। और इन मोडस ऑपरेंडी को देखते हुए ऐसा पता चल रहा है कि होम डिलीवरी की बड़ी प्लानिंग थी होली से पूर्व, जिसको पुलिस ने विफल किया है। यादवपुर थाना अंतर्गत गली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया है। तो पुलिस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो छत्तीसगढ़ के मुंगेली में पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 208 लीटर नकली शराब को जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक गिरोह के सदस्य शासकीय देसी प्लेन मदिरा जैसी ही नकली शराब बनाकर बेचने का काम कर रहे थे, जहां फैक्ट्री से जब्त शराब की रैपर हुबहू शासकीय मदिरा दुकानों में बेचे जाने वाले देसी शराब की तरह निकले। इस दौरान पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले शराब के सौदागरों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। एक और खबर गोपालगंज से सामने आई है, जहां आबकारी विभाग का एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि उत्पाद पुलिस ने मकान में छापेमारी कर देसी शराब की फैक्ट्री का खुलासा कर दिया है। उत्पाद पुलिस ने घर से फैक्ट्री चला रहे बाप बेटे को गिरफ्तार किया। बता दें कि यह सारा मामला
नगर थाना इलाके के रजोखर नवादा गांव में एक मकान का है। इस दौरान उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों धंधेबाज पहले से शराब के कई मामले इन पर दर्ज हैं और जेल भी ये जा चुके हैं। जेल से जमानत पर बाहर निकलने के बाद धंधेबाजों ने घर में ही शराब की फैक्ट्री खोलकर चलानी शुरू कर दी थी। कल देर रात्रि गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवादा रजोखर में छापामारी की गई, जिसमें दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जटासा और उसके पुत्र मुकेश सा। ये लोग शराब स्प्रिट लाके उससे शराब बोतल में भर के बना के और बेचते थे। इसी क्रम में कार्रवाई की गई, जिसके उनके यहाँ से स्प्रिट 40 लीटर और बना हुआ शराब 392 पीस लगभग 78 लीटर देसी शराब बना हुआ बंटी बबली जिस पे लगा हुआ लोगो रैपर भी इनके यहाँ से नकली पकड़ाया है। छत्तीसगढ़ के सत्तू जिले में भी पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। अवैध सट्टे और नशे के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ के सत्तू में पुलिस ने अवैध कबाड़ व्यवसाय के खिलाफ कार्रवाई की है। बता दें कि एसपी अंकित शर्मा के निर्देशन पर पुलिस ने कार्रवाई की, जहां पुलिस ने राजापारा पुरैनापारा ग्राम बाग बुढ़वा में संचालित 3 स्क्रैप यार्ड पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में संदिग्ध सामान जैसे घरों के कूलर, टीन की शीट्स, लोहे की चादरें, लोहे का सामान और 2 ट्रकों में भरा कई टीन संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ, जिसके संबंध में मौके पर यार्ड के संचालक कल्लू मनिहार, महमूद खान और गिद्धेश्वर गाबिल कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद पुलिस ने सामान जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बुलेटिन के आखिर में बात रोहतक की भी कर लेते हैं। दरअसल रोहतक में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम देने में भी बदमाशों को कोई घबराहट नहीं हो रही है। रोहतक जिले के सुनारिया गांव में हत्या के मामले में आरोपी युवक की कार सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। इस दौरान सूचना पर शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पुलिस का कहना है कि हत्या करने वाले सभी बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सूचना मिली थी गांव सुनारिया में गोली चली, जो हमें उसको लेकर मतलब पब्लिक वाले उसको लेकर यहाँ पहुंचे हैं ट्रामा सेंटर में, तो यहाँ पर डेड दाखिल हुआ था। हम उसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने लगे। क्या नाम है? रविंद्र सिंह दिलवाग। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ABC स्टार न्यूज़।